बुद्धि, तुम दोनों सेनापति जी को खबर करो और हम दोनों इनकी खबर लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सरदार की जय हो। तोहार हथियार ले आए हैं, ठीक से देख लीजिए। शाबाश, अब मुझे आनंद नगरी लूटने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये लो अपना इनाम। हमारे होते हुए तुम सपने में भी आनंद नगरी को नहीं लूट सकते। पकड़ लो इन दोनों को। पल्लू भैया, सैनिक अभ्यास याद है ना? हाँ। देख क्या रहे हो, मारो इन्हें। झुको भैया। बहुत हुई आंख में चौली। किस्ता, ये लो। गिरफ्तार कर लो सबको। कहाँ चले? गद्दारों की जगह जेल में है। ले जाओ इन्हें। छोटे सिपाहियों ने तो कमाल कर दिया। आज का अभ्यास आज ही काम आ गया सेनापति जी। किस्ता और वर्षाल। तुम भी आओ। बच गई घंटी। मुझसे नहीं हो पाएगा किस्ना। आओ आओ, बहुत मजा आएगा। किसका डर टोटो को ही मिटाना पड़ेगा। इतनी गर्मी में आनंदी नदी में नहाने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन गोकुल जाना इससे भी जरूरी है। चलो सब। अगर ये आविष्कार सफल हो गया तो आनंद नगरी को कोई नहीं बचा सकता। बारिश करूंगा कि आनंदी नदी में बाढ़ आ जाएगी।
राजा। लेकिन ये यंत्र आनंद नगरी पहुँचेगा कैसे? बादल यान से माना। कमालम कमालम चमत्कारम त्रिकालम प्रकटम वैशालम। आनंद नगरी को डुबा दो। जो आज्ञा त्रिकाल। बच्चों जानते हो ये क्या है? नहीं। ये है जल चक्र। शाबाश कृष्णा, सबको समझा। पानी सूरज की किरणों से भाप बनकर ऊपर उड़ता है और बादल बनकर इकट्ठा होता है, फिर इसी से बारिश होती है। और गुरुजी, अगर हम एक बड़े से डंडे से बादल में छेद कर दे तो? इनमें छेद नहीं होगा, ये बादल है, पानी का गुब्बारा नहीं। ये प्रकृति का काम है और सब कुछ मौसम के हिसाब से होता है। इन लोगों को मजे करने के लिए बारिश भेजी है और हम लोग यहाँ गर्मी में तप रहे हैं। महाराज थोड़ा इंतजार तो कीजिए, फिर देखिए जब आनंदी नदी में बाढ़ आएगी तब मजा कैसे सजा में बदलता है। ये बिन मौसम बरसात तो उनका नाम ही नहीं ले रहे। अरे पानी पुल के ऊपर आ रहा है। अरे भागो, भागो, पानी पुल के ऊपर आ रहा है। अब क्या होगा? करेंगे से पहले सब लोगों को आनंद नगरी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मौसम तो बड़ा अजीब है, एक साथ इतनी बारिश कैसे हो गई? और सारे बादल चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बादल हवा में रुका हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोटो जाओ देख कर आओ। टोटो को बोला समझो हो गया। लगता है राज इसी बादल में छुपा है, इसके अंदर जाना पड़ेगा, मगर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, आओ। वाह राधिका, तुम कितनी बुद्धिमान हो। चलो अब हम सब चलकर बादल का रहस्य जानते हैं। पहले मैं जाकर देखता हूँ, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर इस गुलेल को चलाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए दोस्तों। खींचो और पीछे। मैं भी आया। तो बादल के अंदर ये सब होता है? ये नकली बादल है टोटो, मनुष्यों का बनाया हुआ। चलो इनसे निपटते हैं। तुम यहाँ तक आ गए हो पर वापस नहीं जा पाओगे। तुम कौन हो? मैं त्रिकाल का दूत हूँ वर्षाल, आनंद नगरी का काल। इस यंत्र से मैं समुद्र का पानी खींच कर कहीं भी बारिश करवा।